हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस में मैं देवाशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे पहले हमने विष्णुपुर की जो दो भाग आपके सामने लाए थे वो आप सभी को अच्छा लगा। आज विष्णुपुर सफर के अंतिम चरण में हम पहुँच चुके हैं, यानी कि ये वीडियो हमारे विष्णुपुर सफर की अंतिम भाग है। इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे अलग से, जो विष्णुपुर की एक प्रसिद्ध साड़ी की कारीगरी को दर्शाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर नए दोस्त हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पीछे जो मंदिर है इसे राधा माधव मंदिर कहा जाता है। तो ये मंदिर सन 1737 में चूड़ामणि देवी ने इसका स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए मंदिर का वीडियो देखते हैं। मंदिर का एक और हिस्सा इस एंगल से भी आप देख लो, कितना सुंदर भव्य दृश्य दिखता है। यहाँ कैसा लग रहा है? देख, मेरे ख्याल से मैं तो बोलूंगा विष्णुपुर एक मंदिर का शहर है, तो तरफ मंदिर ही मंदिर है। हाँ, पूरा मंदिर ही मंदिर। विष्णुपुर मंदिर के अलावा यहाँ पे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक तोप है दलमा दल, हाँ। जाने वाले है अभी तो। हाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अभी तक जितने भी वीडियो मंदिर का वीडियो आपने देखा है, इससे आपको पता चल ही गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर माकड़ा पत्थर से ही बनाया गया है। इस माकड़ा पत्थर को अंग्रेजी में लैटराइट पत्थर भी कहा जाता है, यहाँ पे बांग्ला में माकड़ा पत्थर कहा जाता है। बहुत ही मल्ल राजाओं का पसंदीदा पत्थर था, जिसके वजह से शायद ये मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा माकड़ा पत्थर से ही बनाया गया। मैं राजा से कहूँगा थोड़ा माकड़ा पत्थर तो दिखाइए। ये जो हिस्सा है आप गौर से देख सकते हो, ये रहा माकड़ा पत्थर। चलिए दोस्तों अंदर प्रवेश करते हैं। अरे बाप रे, यहां से भी दरवाजा है। एक और दरवाजा, तो अभी जो धरोहर के सामने मैं खड़ा हूँ इसे राधा गोविंद मंदिर कहा जाता है। सन 1729 में
यहाँ पर यहाँ का शासक हुआ करता था, तब इस मंदिर को बनाया गया था। ये भी आप देख सकते हो लैटराइट पत्थर से यानी कि माकड़ा पत्थर से ही बनाया गया है। इस मंदिर को मल्लराज गोपाल सिंह ने सन 1726 में निर्माण किया था। ये रही उसकी बनावट। टेराकोटा तो उसका कलाकृतियाँ यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। तो हर शनिवार, हफ्ते में हर शनिवार यहाँ पे मेला लगाया जाता है। दोपहर के 2 बजे से ये मेला लगती है यहाँ पे। तो दोस्तों आगे जो मंदिर देख रहे हो इसे छिन्नमस्ता माता का मंदिर कहते हैं। वीडियो करना मना है इसलिए ऑटो से ही आपको इसके दर्शन करवा दिया है। खड़े हैं जिसे गलमादल कैनन भी कहते हैं। इसे मल्ल राजाओं ने मराठा आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया था। लेंथ लंबाई देख सकते हैं, बहुत विशाल है। इसे कितने आदमी उठा पाते होंगे उस समय। आखिर हम लोग जो बिष्णुपुर का सबसे चर्चित मंदिर कॉम्प्लेक्स है रासमंच में आ गया। करेंगे ये रासमंच 1600 शताब्दी में मल्लराज बीरहम्बी ने बनवाया था, ठीक है। इसका 3 हिस्सों में बनवाया गया था। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पिरामिड जैसा है, तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाला हिस्सा पिरामिड जैसा है। इसके बीच वाले हिस्से घर जैसा बनाया है और इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ये दी की तरह है। ये जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा माकड़ा पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये ईंटों से बनवाया गया है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हम दोनों चीज़ें देखने को मिलते हैं हमें। और एक बात बता देता हूँ, इसकी लंबाई है 24.5 मीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई भी वो एक ही है और इसकी ऊंचाई है 12.5 मीटर।
दोस्तों ये जो थाली देख रहे हो दोनों, एक राजा की तरफ है एक मेरे तरफ है, ये भेज थाली है। राजा थोड़ा आइटम बता दो क्या क्या है। चावल है, दाल दाल, ये एक आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी, ये भी इसे मिक्स वेज पांच मिसाली कहते हैं हम लोग बंगला में। अंडा कड़ी ऑर्डर किया है और इसे क्या कहते हैं, क्या पोस्तो, रुई पोस्तो। तो होटल मोनालिसा जो बिष्णुपुर में स्थित है, आप यहाँ पे आके ये खाना का स्वाद ले सकते हैं। राजू मंडल 9800528589। तो दोस्तों हम जिस ऑटो में बिष्णुपुर घूमे, ये हमारे ऑटो वाले भैया, तो आप जब भी बिष्णुपुर आओ तो इनसे संपर्क कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे हैं और सस्ते दामों में आपको पूरा बिष्णुपुर दिखा देंगे।